नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये पार्ट 8 है, इससे पहले 7 पार्ट बन चुके हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज साइट्स के बारे में, किगाली अग्रीमेंट और आईपीसीसी। ये तीन ही जो आज टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन इन पर पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज साइट्स। ये कन्वेंशन है, इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, अगर आप पूरा ये नाम ही याद कर लें इसका तो समझ में आ जाएगा काम क्या है इस कन्वेंशन का। एक बार और सुन लो कन्वेंशन, ये पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी। कन्वेंशन, सी फॉर कन्वेंशन ऑन, आईटी मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना। एन ई एस का मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है ना। ऑफ फ्लोरा मतलब जो प्लांट्स होते हैं, एंड फौना, ठीक है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मतलब ये कन्वेंशन आया था, कब आया था ये आया था 1990s में आया था कन्वेंशन। क्यों? जो वाइल्ड लाइफ मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले प्लांट्स एनिमल्स हैं उनके ट्रेड को मैनेज करने के लिए, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए, कि आखिर जो है ऐसे एनिमल्स या स्पीशीज का ट्रेड तो नहीं हो रहा जो एंडेंजर्ड हैं या उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है, उसको देखने के लिए, उसको करने के लिए मॉनिटर ये कन्वेंशन आया था। इट इज़ अ इंटरनेशनल कन्वेंशन, ठीक है ना, और सभी कंट्रीज़ को ये मानना पड़ता है। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है तीन अपेंडिक्स बनाए गए थे, ठीक है ना। तीन अपेंडिक्स मतलब अपेंडिक्स वन की बात करेंगे तो उसमें वो वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा आएंगे जिनका ट्रेड जो है प्रोहिबिटेड है, ठीक है, मतलब ऐसे स्पीशीज जो वो एक्सटिंक्शन को फेस कर सकते हैं, जिनका एग्जिस्टेंस जो है खतरे में आ चुका है, ठीक है। तो उन स्पीशीज का जो है ट्रेड ना हो ये करना मॉनिटर, ठीक है। स्पीशीज दैट आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक। तो ऐसी स्पीशीज आती हैं अपेंडिक्स वन के अंदर, तो अगर हमें इनका ट्रेड भी करना है तो जब परमिट चाहिए फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ दीज स्पीशीज विच आर मैंशनड इन अपेंडिक्स वन। दूसरा आता है अपेंडिक्स टू। अपेंडिक्स टू में जो है वो स्पीशीज आते हैं दैट आर फेसिंग एमिनेंट एक्सटिंक्शन बट नीड मॉनिटरिंग टू एंश्योर दैट ट्रेड डज नॉट बिकम अ थ्रेट। मतलब जो खतरे में तो हैं लेकिन उनका ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड भी इस तरीके से हो कि उनके जो एग्जिस्टेंस है उसको खतरा ना हो। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो है अमेरिकन एलिगेटर्स जो हैं, जो इंडियन में एलिगेटर हैं वो तो जो है खतरा है उनको, दे आर नाउ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जो घड़ियाल है, लेकिन जो अमेरिकन एलिगेटर है वो अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में नहीं आता, ठीक है ना, वो अभी एंडेंजर्ड ही है। तो ऐसी स्पीशीज जो अभी मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, एक्सटिंक्शन के मतलब जो है एज पे नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम उनका ट्रेड करते रहेंगे, इलीगल ट्रेड करते रहेंगे या हैफजर्ड वे में ट्रेड करते रहेंगे तो वो कल को एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं। तो ऐसी स्पीशीज को हम डालते हैं अपेंडिक्स टू के अंदर। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट इज लास्ट जो है वो है अपेंडिक्स थ्री। अपेंडिक्स थ्री में वो स्पीशीज आती हैं दोस्तों जिनका जो है दैट आर प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री, कम से कम एक कंट्री में वो प्रोटेक्टेड हो, और जब भी ट्रेड करें तो हमें उस कंट्री से पूछना पड़ेगा कि जो है कि क्या इसका ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। मतलब ये समझ सकते हैं कि जो है कि अपेंडिक्स थ्री में जो स्पीशीज आती हैं वो स्पीशीज़ हैं जो कि मतलब उनका जो एंडेंजर्ड लेवल है वो बहुत कम है अभी, ठीक है, उनका ट्रेड हो सकता है। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल है इसका हनी बैगर्स होते हैं ना जो मधुमक्खी को खाते हैं, ठीक, तो ये उसका एग्जाम्पल है। तो इस टाइप से तीन अपेंडिक्स जो हैं साइट्स के अंदर आते हैं, साइट्स कन्वेंशन के अंदर, जो कि रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। फुल फॉर्म अगर आपको याद है तो जो आप एमसीक्यू में इजीली कर सकते हैं आइडेंटिफाई कीजिए साइट्स कन्वेंशन है वो किस लिए किया गया था। आई बात समझ में? चलिए अगला देखते हैं, किगाली अग्रीमेंट क्यों किया गया था। किगाली अग्रीमेंट किया गया था दोस्तों फॉर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के लिए, ठीक है। पहली बात इसमें समझने की ये है, ये जो एग्रीमेंट था ये 2019 में लागू हुआ है, किगाली एग्रीमेंट, ठीक है, और ये लीगली बाइंडिंग
एग्रीमेंट है, पहली बात ये भी आपको ध्यान रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, आपको ध्यान हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था कि जो वो मतलब ये होता है ना, जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर को जो गैसेस इफेक्ट करती हैं, तो उन गैसेस का जो एमिशन है उसे कम करना या उसे जीरो करना, इसके लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। ओजोन गैस को अफेक्ट करने वाली जो गैसेस हैं मेनली कौन सी हैं, वो कार्बन, CFC है, HFC है, ठीक है, फ्लोरोकार्बन जो होती हैं गैसेस वो होती हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये बताया गया था कि जो है भाई ओजोन में जैसे होल होना शुरू हो गया था, बहुत बड़ा होल हो गया था, तो जैसा कि आप जानते हो कि भाई ओजोन लेयर जो है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो अर्थ को प्रिवेंट करती है, किससे, अल्ट्रावायलेट रेस से। तो इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, उसने ये कहा कि भाई जो ये गैसेस हैं जो ओजोन लेयर को इफेक्ट डालती हैं, तो इनका जो प्रोटेक्शन है वो बंद किया जाए या जीरो किया जाए, जिससे कि ओजोन लेयर पर इफेक्ट ना आए। कोई ऐसा अल्टरनेटिव मेथड ढूंढा जाए जिससे कि ये गैसेस एमिट ही ना हो कंट्रीज के द्वारा। तो इस पर बहुत पॉजिटिवली काम भी किया गया और सक्सेस भी मिली। आज कंडीशन ये आ गई है कि ओजोन लेयर जो है दोबारा बिल्ड होना शुरू हो गई है, ठीक है, रिकवर हो रही है। तो किगाली एग्रीमेंट आया 2019 में, ये लागू हुआ। इसका जो मेन मकसद यही है कि टू रिड्यूस द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अगर MCQ में पूछते हैं ना कि ये किगाली एग्रीमेंट का मेन पर्पस क्या है, टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये क्यों रिड्यूस करना है, टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। बात समझ में आ रही है, केवल ये तीन चार बातें आपको उस एग्रीमेंट में याद रखनी है। नेक्स्ट इज IPCC। दोस्तों IPCC के फुल फॉर्म देख लेते हैं, फिर जानते हैं इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है। IPCC के फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एक ऐसी संस्था जो इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, जो कि क्लाइमेट चेंज पर वर्क करती है। तो पहली बात आपको याद रखनी है, इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन बॉडी, UN बॉडी है ये, यूनाइटेड नेशन ने इसको बॉडी को बनाया है, ठीक है। ये 1988 में बॉडी डेवलप की गई थी, क्यों की गई थी, फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो होता है उसके बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कंट्रीज को, कि आखिर साइंटिफिकली कैसे आप क्लाइमेट चेंज को मतलब जो है जो उस पर एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं कैसे उसे कम कर सकते हैं, और कौन कौन से एक्टिविटीज़ को यूज़ करके आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी ना कम हो और क्लाइमेट पर भी असर ना पड़े, ऐसे कौन कौन से मेजर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस बारे में चर्चा होती है इस पैनल के अंदर, ठीक है। ये जो पैनल बनाया गया था IPCC, ये बनाया था किसने, WMO, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और UNEP, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये दो बॉडी हैं, उन दोनों ने मिलकर IPCC का को बनाया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने बता दिया आपको, टू प्रोवाइड द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स दैट दे कैन यूज टू डेवलप क्लाइमेट पॉलिसीज, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। तो दोस्तों आज ये तीन बातें बताई मैंने आपको, साइट्स क्या होता है, किगाली एग्रीमेंट क्या होता है और IPCC क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, जो इसमें MCQ लेवल पे ये क्वेश्चन पूछेंगे और उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैंने आपको बता दिए, और इतना सफिशियंट है। अगर अच्छी लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।